नमस्कार ये आवाज है आरजे प्रथम की आपके साथ और शो है एक मुलाकात पर आप सुन रहे हैं एक मुलाकात और एक मुलाकात शो पर आज हमारे खास मेहमान है मिस्टर रमन भाटिया एमडी डी सर्वोटेक सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सर सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपकी जर्नी के बारे में और सर्वोटेक के बारे में हमें कुछ बताइए सर मैं रमन भाटिया एमडी ऑफ सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड मेजर शेयर होल्डर प्रमोटर फाउंडर ऑफ सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड आज आप मुझे सुन रहे हैं माई एफ पर बहुत लंबी कहानी है लेकिन आ, मैं कोशिश करता हूँ लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ना लेते दो बहुत शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को आ, मैंने बहुत जीवन बहुत नीचे से शुरू किया और बहुत सारे काम करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे और अगर हम बात करें सर्वोटेक की तो सर्वोटेक को स्टार्ट किया गया 2004 में वहां पर हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जिसमें हम पावर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स जो बैकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमने बनाए जैसे इन्वर्टर्स यूपीएस सर्वो स्टेबिलाईजर्स ऑनलाइन यूपीएस दो में हम सोलर में आ गए और हम सोलर के प्रोजेक्ट्स करने लगे मेजरली हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट करते थे जिसमें हमने कुछ बहुत बड़े बड़े काम किए हैं अब बड़े बड़े काम हमारे साइज के हिसाब से बड़े हो सकते हैं इस हिंदुस्तान के हिसाब से शायद वो बहुत छोटे होंगे हमने जयललिता जी के साथ तमिलनाडु में लगभग एक लाख घरों को सोलराइज किया है अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड की जब हम बात करें जितने भी पटवारी के ऑफिस है उन सबको ई पंचायत में कन्वर्ट करने में हमारा काफी योगदान रहा है करीब चौतीस हजार हमने की है शिक्षा अभियान में हमने काफी काम किया है लगभग दस प्लस स्कूल्स में हमने ई e एजुकेशन को सपोर्ट करने में अपने यूपीएस और इन्वर्टर्स सप्लाई किए हैं इस तरीके के काफी सारे काम हम लोगों ने किए हैं 2020 में काफी सारे चेंजेस आए एक आ, ऐसी सिचुएशन थी जिसने सभी इस दुनिया के हर व्यक्ति की सोच को बदल दिया हम लोगों की जिंदगियों को बदल दिया हमने एक नए सिरे से सोचना शुरू किया आज हम लाइफ को एक अलग तरीके से देखना शुरू हुए हैं दो के बाद से ऐसे ही हमने भी एक कंपनी को और खुद को भी एक नए तरीके से सोचना शुरू किया और देखना शुरू किया तो हमारा जो ध्येय था जो भी हम काम कर रहे थे वो थोड़ा बदल गया अब हमारा जो मोटिव है वो बड़ा क्लियर है हम ये साबित करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की एक एमएसएमई कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके आई के साथ मिलके एप्पल के लेवल का प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बना सकती है और चाइना के एफ प्राइस पे दुनिया को दे सकती है तो हम हिंदुस्तान से दुनिया को और हिंदुस्तान को भी वो प्रोडक्ट देना चाहते हैं जो लगता है कि आसान नहीं है या सिर्फ चाइना ही कर सकता है हम वो काम करके दिखाना चाहते हैं उसमें भूमिका निभाना चाहते हैं इस ग्रोथ में सर हमने बहुत सारी चर्चाएं ईवी के बारे में सुनी है ये ईवी किस तरीके से इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है इसके बारे में बताइए एक्चुअल में एक अगर हम बात करें आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आम इंसान नहीं सोच पाता कि इसको इसके फायदे क्या होंगे और क्या नहीं होंगे इसको मैं दो बड़े छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ पहला चंद्रयान जो भी छोड़ा गया ठीक चंद्रयान के छोड़ने से एक आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा इसको वो नहीं समझ सकता सीधा लेकिन हाँ एक प्राइड का उसको एक फील आता है कि हाँ यार कुछ हिंदुस्तान ने बड़ा किया इसके अलावा उसको नहीं पता किसी जीवन में क्या फर्क पड़ता है ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ईवी चार्जर्स की तो उसको नहीं पता कि ईवी चार्जर या ईवी गाड़ियों का उसके जिंदगी में सीधा क्या असर पड़ेगा लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक बात हमें समझ नहीं होगी कि हिंदुस्तान का जो रुपया है और जो डॉलर है इसका कन्वर्जन अगर हम आज की डेट में बात करें तो एक डॉलर एटी टू रूपीज का बयासी रूपए के आसपास है वो ठीक है चौरासी भी हो सकता है इक्यासी हो सकता है लगभग अस्सी से बयासी रूपए के बीच में है। अब ये जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन क्यों है ये कन्वर्जन का मतलब है कि हम उनके मुकाबले वो हमारे मुकाबले इतना ज्यादा स्ट्रांग है अगर हम करेंसी को इंटरनेशनल लेवल पे देखें ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है यानी कि हिंदुस्तान की जो कंजम्शन है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जो चीजें हम लेते हैं खाते हैं पीते हैं चाहे हम भोगते हैं चाहे हमारा वो मोबाइल है हमारी टीवी है कंप्यूटर्स है ये जितनी भी चीजें इनमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट या कंप्लीट प्रोडक्ट हिंदुस्तान के बाहर से आ रहा है जब हम उसको खरीदते हैं तो हमें उनकी करेंसी में या डॉलर में पैसा देना है और जो हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं राइट या जो इंडिया में बना लेते हैं उसको अगर हम बाहर भेजते हैं तो हम हमें उसका पैसा भी यूएस डॉलर में मिलता है तो हम जितना माल इंडिया में बना के बाहर भेजते हैं और जितना माल बाहर से खरीदते हैं उसका लेन और देन में हमें ट्रेड डेफिसिट होता है यानी कि हमें देना ज्यादा पड़ता है और लेना कम पड़ता है इसकी वजह से ये एक डिफरेंस है तो अगर हम इस डेफिसिट का डिफरेंस समझें तो ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंस का सबसे बड़ा जो कॉम्पोनेट है वो है पेट्रोल या ऑयल हमें सबसे ज्यादा ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है अगर आज हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का यूज बढ़ा दें तो हमें पेट्रोल या डीजल या तेल कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा इन कम्पेरेटिव टू जो आज हम कर रहे हैं तो उतना ही हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता चला जाएगा जितना कम होता चला जाएगा हम उतने स्ट्रांग होते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में क्या फर्क पड़ेगा एक आम इंसान के इस गाड़ी के यूज करने से इसको आप समझ सकते हैं तो जिसको हम आज कह रहे हैं महंगाई है ये सब कुछ है तो हम आने वाले टाइम में उन विकसित देशों की श्रेणी में बहुत ऊपर आगे खड़े हो जाएंगे अगर हम ऐसा काम करें तो तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें एक बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं तो बिल्कुल एक कमाल का विजन है और ये विजन इंडिया को बहुत आगे लेकर जा सकता है सर हमने जिस हिसाब से के बर्स के बारे में जान लिया ईवी की इतनी चर्चाओं के बारे में जान लिया अब हम जानते हैं कि जब हमारे इंडिया में ईवी को बिल्कुल सही तरीके से अपना लिया जाएगा तो उसका क्या फायदा जो है वो होने वाला है तो सीधा फायदा अगर हम बात करें तो वो एक ही है कि अगर हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूज करते हैं तो हमें जो डेली रोजमर्रा में जो हमारी कॉस्ट है वो बहुत नीचे आ जाती है लेकिन अगर हम गाड़ी का कंपेरिजन करते हैं तो वो आज शायद गाड़ियां थोड़ी महंगी होंगी जो तो आने वाले टाइम सस्ती होगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है और इवन ये इंडस्ट्री बहुत काम कर रही है तो दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है बहुत सारी चीजें दी है तो अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करते हैं तो नॉर्मल गाड़ी अगर हम एक फोर व्हीलर कार की बात करते हैं तो शायद दस रुपए किलोमीटर हमें पड़ता है जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रुपए से भी कम पड़ता है पर किलोमीटर तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फायदा देगा ये पहला फायदा है दूसरा फायदा एक और है अगर आप देखें तो लोगों को शायद अभी नहीं इस बात को समझ पा रहे क्योंकि अभी गाड़ियां बहुत आम नहीं हुई है यूज करने में लेकिन मैं बहुत आसान एग्जाम्पल देता हूं आज से अगर हम दस साल पीछे चले जाए तो मकैनिक्स होते थे टीवी मकैनिक्स होते थे दस बीस साल पहले ठीक है ना वीसीआर के मकेनिक हुआ करते थे ऑडियो टेप रिकॉर्डर के मैकेनिक हुआ करते थे ठीक है ना फिर एलईडी और एलसीडी टीवी आए तो उनके ही मैकेनिक हुआ करते थे मोबाइल की दुकानें होती थी जो रिपेयर किया करते थे ठीक है मैं पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि कितने ऐसे लोग हैं जो मोबाइल को इसलिए बदलते हैं कि वो खराब हो गया मोबाइल को आज ट्रेंड बन चुका है हम इसलिए बदलते हैं कि वो मॉडल पुराना हो गया परसेंटेज जो चेंज हुई है वो चेंज है कि हम इसलिए बदल रहे हैं कि पुराना हो गया नया मॉडल आ गया मार्केट में एलईडी टीवी अब मुझे बड़ा लेना है आज मुझे स्मार्ट टीवी लेना है आज मुझे लैपटॉप इसलिए बदलना है क्योंकि नया आ गया करेक्ट वो इसलिए नहीं बदलता कि ये रोज खराब हो जाता है तो ये जो चेंज आया है वो चेंज आया है टेक्नोलॉजी में रिलायबिलिटी में ऐसे ही जो हम पुरानी गाड़ियां चलाते हैं उन गाड़ियों में जो है वो मैकेनिकल सिस्टम बहुत ज्यादा है उसमें जो है वो डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है डिटोरेशन बहुत ज्यादा है वो घिसावट होगी होगी ये सब चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियों में नहीं है और जितनी बैटरी की गारंटी दी जा रही है अगर उन सब चीजों को देखा जाए तो वो इतना लंबा है कि आने वाले टाइम में हम गाड़ियां भी सिर्फ इसलिए बदलेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई और नई टेक्नोलॉजी आ गई तो बिल्कुल हम उस दिशा में जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है सर हमने तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये ईवी व्हीकल चार्ज कितनी देर में होता है ये भी आ, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला है कोई, कोई अगर मुझसे ये पूछे की मेरे घर में एक पानी का नल लगा हुआ है और मुझे बाल्टी भरने में कितना टाइम लगेगा हुँ हुँ। तो मैं कोई भी टाइम बोलूँ तो वो टाइम हर एक के लिए फिट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता बाल्टी कितनी बड़ी है तो इसलिए इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका है जो मैं फार्मूला यहाँ पर आपके लिसनर्स को बताना चाहूंगा जी वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि जितनी भी गाड़ियां आती हैं उसके अंदर एक बैटरी का साइज होता है जी हमेशा राइट नहीं, नहीं। हर गाड़ी का साइज आता है जिसके हिसाब से बताया जाता है कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी तो किसी गाड़ी में 30 किलोवाट है किसी में 20 किलोवाट की बैटरी लगी है किसी में 50 किलोवाट की बैटरी लगी है तो मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि आपकी गाड़ी में पचास किलोवाट की बैटरी लगी है राइट अब अगर वो पचास किलोवाट की बैटरी है तो नॉर्मली कोई भी जो यूजर है वो जैसे किसी जमाने में हम स्कूटर चलाया करते थे तो उसमें रिजर्व लग जाता था कि इतना पेट्रोल रह गया है तो आपको रिजर्व लगाना है ताकि आपको पता है कि मुझे कब पेट्रोल या डीजल डलवाना है ठीक है ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये माना जाता है कि एसओसी कहा जाता है एक शब्द एसओसी मतलब होता है स्टेट ऑफ चार्ज स्टेट ऑफ चार्ज का मतलब है कि बैटरी की चार्जिंग कितनी बची है तो नॉर्मली कोई भी आदमी 20-25 परसेंट जब बैटरी रह जाती है वो चार्ज करता है आमतौर में मोबाइल में भी लोग ऐसे करते हैं करेक्ट है लो बैटरी माना जाता है पच्चीस एक परसेंट पे उससे पहले पहले लोग चाहते हैं कि गाड़ी दोबारा चार्ज हो जाए मोबाइल भी हम ऐसे ही यूज करते हैं तो आमतौर पर माना जाता है कि आप जब भी बैटरी चार्ज करेंगे आपकी बैटरी पच्चीस के आसपास होगी ऐसा हम मान लेते हैं करेक्ट कभी भी हम चार्ज करना चाहेंगे दूसरी बात बैटरी की लाइफ के लिए कोई भी चार्जर 90% तक फुल कैपेसिटी से चार्ज करता है उसके बाद उसको बहुत धीमे चार्ज करता है या आपके मोबाइल्स में भी ऐसा ही होता है करेक्ट है अगर आप देखेंगे 80 या 90% तक बहुत फास्ट होगा तो अगर मान लीजिए पचास किलोवेटर की बैटरी है तो हम ये कहते हैं कि 25% बैटरी बीस परसेंट उसके अंदर पहले से थी तो मतलब दस किलोवाट पहले थी बाकी बच गया पचास और अगर हम कहते हैं नाइन्टी परसेंट तो मतलब पांच किलोवाट तो बाद में चार्ज करेंगे तो बाकी जो बीच में बचा वो बच गया हमारे पास करीब पैंतीस थर्टी फाइव तो अगर हमें पैंतीस किलोवाट चार्ज करना है और हमारे घर में जो चार्जर एसी चार्जर लगा हुआ है अगर वो सेवन किलोवाट का है तो इसका मतलब थर्टी फाइव बाय सेवन तो पांच घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी करेक्ट और अगर मैं रोड पे खड़ा हूं और मुझे किसी पब्लिक चार्जर से चार्ज करना है और वहां साठ किलोवाट का चार्जर है तो इसका मतलब ये साठ किलोवाट एक घंटे में देगा मतलब एक मिनट में एक किलोवाट किलो देगा तो पैंतीस किलोवाट चार्ज करने के लिए पैंतीस मिनट लगने वाले हैं तो कोई भी यूजर या ड्राइवर अपनी गाड़ी की कैलकुलेशन ऐसे कर सकता है ओके okay, तो ये एक तरीका है ये कैलकुलेशन को खास तौर पे समझने का जिनसे हमारी बातचीत हो रही है तो रमन सर अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि फेम थ्री पॉलिसी पर ईवी पर सब्सिडी जो है वो कम कर दी गई है तो सर इससे क्या फर्क पड़ने वाला है एक्चुअली ऐसा है कि ये जो सब्सिडी कम कर दी गई वाली बात है जी उसमें कुछ चेंजेस आए हैं स्टेट सब्सिडी ही कम नहीं हुई है आ, कुछ और चेंजेस भी आए हैं okay. जैसे रोड टैक्स है वो कुछ जगहों पर माफ कर दिया गया है या और तरीके की चीजें यानी कि उसकी शक्ल बदली गई है जी एग्जाम्पल देते

करके इकोसिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रही है ताकि कॉस्ट इन टोटल कम हो जाए तो अगर आप कंपेयर करेंगे कि जब सब्सिडी ज्यादा थी तब इफेक्टिवली गाड़ी की कीमत कितनी थी और आज इफेक्टिवली गाड़ी की कीमत कम क्या है तो आप देखेंगे कंपेरेटिवली सर ईवी जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जी एक अहम रोल प्ले करता है सर्वोटेक इस पे किस तरीके से सर भागीदारी निभा रहा है इसके बारे में हमें बताइए सर्वोटेक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जेस बना रहा है जी हम लोगों ने जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है हम इन सब के साथ हाथ मिलाया है और अगर हम बात करें तो हिन्दुस्तान में हमने मेजर हाईवे और पेट्रोल पम्प में बहुत बड़ी तादाद में चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं इसके अलावा जो गवर्नमेंट की योजना है वो लगभग पचास लाख चार्जर्स इंस्टॉल करने की योजना है okay. अगले तीन चार सालों में इतने सारे चार्जर्स को इंस्टॉल करने के लिए उनको बहुत सारी बड़ी बड़ी और बहुत मजबूत कंपनियां चाहिए तो इसके लिए सर्वोटेक बहुत शिद्दत से काम कर रहा है हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं हम अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं राइट हम हर तरफ स्केल कर रहे हैं ताकि हम इसके अंदर भागीदारी निभा पाए मेरा ये कहना है लिसनर्स को कि अगर आपके पास अभी भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे भी काफी कुछ मटेरियल अवेलेबल है इट इज नॉट अ प्रमोशनल एक्टिविटी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के नाम से आप अगर चैनल ढूंढेंगे तो यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा बड़े आराम से ओके okay. एंड उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेटरी वीडियोज अवेलेबल है आप लोगों के लिए आप उसको अगर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा और स्टिल अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसके कमेंट में अगर आप डालेंगे तो उन सवालों के जवाब लेस देन आवर्स हमारी टीम आपको देती है दो तरीके से एक तो कमेंट का जवाब रिप्लाई करके दूसरा अगर कोई ऐसा है जिससे लगता है कि हम कुछ और नॉलेज शेयर कर सकते हैं तो इमीडिएटली एक वीडियो रिलीज की जाती है हम लोगों का जो टारगेट है वो यह है कि हम हर तीसरे दिन एक वीडियो रिलीज करते हैं एवरीली तीन सौ पैंसठ दिन में हम हंड्रेड ट्वेंटी रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं सो देट so हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाए ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर